भारत के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप एक ऐसे यूट्यूब चैनल पे पहुंच चुके हैं जहां पर ना सिर्फ टॉप 10 कॉलेज का नाम ही बताया जाता है बल्कि टॉप 10 कॉलेज के बारे में पूरी पूरी जानकारी काफी डिटेल में दी जाती है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ उज्जैन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उज्जैन के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है। तो दोस्तों, उज्जैन के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिस्ट में नंबर 1 पे है UEC कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। यह कॉलेज RGPB यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज से दोस्तों आप BTEC और MTEC में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर BTEC के 6 ब्रांच है तथा MTEC के 4 ब्रांच है। दोस्तों, इस कॉलेज की एक खास बात यह है कि यह कॉलेज पार्ट टाइम में भी BTEC कराता है। यहाँ पे लगभग 70-80% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 20 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 5 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद दोस्तों, उज्जैन के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिस्ट में 2 नंबर पे है MIT कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना हुई थी 2001 ईस्वी में। यह कॉलेज भी RGPB यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है और PCI द्वारा भी अप्रूव्ड है। यहाँ से आप BTEC, MTEC, MBA, MCA, BBA, BCom, Polytechnic, D-Pharm, B-Pharm तथा M-Pharm में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज में दोस्तों BTEC के 7 ब्रांच हैं, MTEC के 3 ब्रांच हैं तथा डिप्लोमा के 2 ब्रांच हैं। इस कॉलेज में भी लगभग 70-80% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 12 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 3.50 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद दोस्तों, उज्जैन के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिस्ट में 3 नंबर पे है PITS कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है प्रशांति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 2008 ईस्वी में। यह कॉलेज भी RGPB यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से आप BTEC, MTEC, MBA, BBA, BCom, BEd तथा ITI में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर BTEC के 4 ब्रांच हैं, MTEC के 2 ब्रांच हैं, MBA के 5 ब्रांच हैं तथा ITI के भी 5 ब्रांच हैं। यहाँ पे भी लगभग दोस्तों 25-30% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 7.50 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 2 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद दोस्तों, उज्जैन के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिस्ट में 4 नंबर पे है AIT कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है अल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 2007 ईस्वी में। यह कॉलेज भी RGPB यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है तथा VU यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है और AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। साथ ही साथ NCVT द्वारा भी अप्रूव्ड है और DTE द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ से आप BTEC, MTEC, MBA, डिप्लोमा तथा ITI में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों BTEC के 6 ब्रांच हैं, MTEC के 3 ब्रांच हैं, MBA में 4 ब्रांच हैं तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी 4 ब्रांच हैं और ITI में 3 ब्रांच हैं। इस कॉलेज में भी लगभग 50-60% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 5 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 1.50 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद दोस्तों, उज्जैन के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिस्ट में 5 नंबर पे है SGSITS कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है श्री गुरु संदीपानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इसकी स्थापना हुई थी 2009
1909 ईस्वी में। यह कॉलेज भी दोस्तों RGPB यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है और DTE द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। इस कॉलेज से आप बीटेक में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर बीटेक के 4 ब्रांच है। इस कॉलेज में लगभग दोस्तों 20-30% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 5 लाख रुपीज जबकि एवरेज पैकेज है 2 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद उज्जैन के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिस्ट में 6 नंबर पे है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी दोस्तों 1955 ईस्वी में। यह कॉलेज भी RGPB यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों यह एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है इसलिए यहाँ से आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज में डिप्लोमा के 9 ब्रांच हैं। इस कॉलेज के बाद उज्जैन के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिस्ट में 7 नंबर पे है विक्रम यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। यह यूनिवर्सिटी दोस्तों UGC द्वारा अप्रूव्ड है तथा AICTE द्वारा भी अप्रूव्ड है और NAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। वैसे तो दोस्तों यहाँ से आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं लेकिन इंजीनियरिंग में यहाँ से आप BTech, MTech तथा डिप्लोमा में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर BTech के 7 ब्रांच हैं, MTech के 8 ब्रांच हैं तथा डिप्लोमा में 2 ब्रांच है। इस कॉलेज के बाद दोस्तों उज्जैन के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिस्ट में 8 नंबर पे है अवंतिका यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना हुई थी 2015 ईस्वी में। यह यूनिवर्सिटी दोस्तों UGC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों वैसे तो इस यूनिवर्सिटी से भी आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं लेकिन इंजीनियरिंग में यहाँ से आप BTech और MTech में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर BTech में 7 ब्रांच है तथा MTech में 6 ब्रांच है। दोस्तों यह है उज्जैन के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज जहां से अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं तो ये कॉलेज आपको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट देते हैं तथा लगभग 80% जॉब प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं तथा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।